इस वीडियो में हम जानेंगे CFL रिपेयर कैसे करते हैं, CFL का कॉमन फॉल्ट क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, CFL में कुछ ज्यादा खास कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर, बस, और कुछ इसमें खास नहीं है, बाकी कैपेसिटर है। तो आप इसको आसानी से घर में रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मेरे पास दो CFL आया था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके ये दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं, ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है, बस ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर बदल के चल जाएगा। मैंने इस CFL के कैपेसिटर चेंज किए हैं, आप देख सकते हैं कैपेसिटर दोनों फूले हुए हैं। ये देखिए, इस कैपेसिटर के, इसके मैंने दोनों कैपेसिटर चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया है। ये एक CFL 500 का आता है मार्केट में, और लगना 10 रुपये भी नहीं लगेगा इसके रिपेयर में, आप बड़े आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ। हम इसको ऑन करते हैं, इसकी हमने सप्लाई देनी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब है, मकसद है कि आपको मैं बता सकूं कि CFL में कोई खास कंपोनेंट्स नहीं होता है। मैंने सिर्फ ये दो कैपेसिटर चेंज किए हैं और ये CFL बिल्कुल ओके है, जो मार्केट में 500 का है, आप 10 रुपये में इसको ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कॉमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। कैपेसिटर चेंज करते हुए मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया, वीडियो खामों का इतना लंबा हो जाता, आपको दिखाना ही था मैंने कैपेसिटर चेंज किए हैं और ये ओके है। इसमें भी हमने दो कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर चेंज करना है, ये भी CFL ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से महंगा CFL भी रिपेयर कर सकते हैं घर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।